अर्णव की मम्मा ज्वाइन कर रहा है। यू कैन हियर अस सौम्या? गुड गुड. सो यू कैन हियर अस प्रॉपरली ना? मी एंड अनामिका बोथ. यू आर नॉट फीलिंग वेल. ओके ओके ओके. आई नॉट टेक केयर. हेलो एवरीवन एंड थैंक यू, आप लोग आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री, आज उनका जन्म दिवस है जिसे हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। उनका कहना था कि बच्चे ही देश का भविष्य है, और सार्थक भी ये मानता है। इसीलिए हम लोग अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स की मदद के थ्रू हम लोग मदद करते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की, और आज हमने ये सेशन रखा है चिल्ड्रंस डे स्पेशल, इक्वालिटी एंड इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड, जिसमें हमारे साथ आज एक एक्सपर्ट हैं अनामिका हुई, और उनके साथ हमारे मॉडरेटर हैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता। मैं क्विकली इन दोनों को इंट्रोड्यूस करती हूँ। डॉक्टर अनामिका हुई वो एक ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट है जिनके पास 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है स्पीच और हेयरिंग में। बच्चों के साथ काम करने का इनका एक स्पेशल इंटरेस्ट है, और इसी के जुड़ते वो सार्थक से पिछले एक साल से जुड़ी हुई हैं। और हमारे जो मॉडरेटर हैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता, वो एक रेडियोलॉजिस्ट हैं जिनके पास 30 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, और वो सार्थक से एज एन एडवाइजरी बोर्ड मेंबर पिछले 10 साल से जुड़े हुए हैं, और अर्ली इंटरवेंशन में इनका स्पेशल इंटरेस्ट है। तो मैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज सेशन को आगे लेके जाए। थैंक यू जैस्मिन. ये मेरा सौभाग्य है कि मैं सार्थक से जुड़ा हुआ हूँ और आज मुझे मौका मिल रहा है बात करने का. जो भी लोग देख रहे हैं या जो पेरेंट्स हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, इक्वालिटी एंड इंक्लूजन फॉर अर्ली चाइल्ड, इस प्रोग्राम के तहत हम लोग जो बात करने जा रहे हैं आज, वो अर्ली इंटरवेंशन पे है. और ये प्रोग्राम सार्थक ने ऑर्गेनाइज किया है. वैसे तो आप लोग सब शायद सार्थक के बारे में जानते होंगे, बट शॉर्ट में मैं आपको थोड़ा सा सार्थक के बारे में बताना चाहूंगा. सार्थक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसेबिलिटी सेक्टर में काम करती है, जो दिव्यांगजनों के साथ काम करती है, और पूरे लाइफ साइकिल पे हम लोग काम करते हैं. अर्ली इंटरवेंशन मतलब जीरो से, जैसे बच्चा पैदा होता है, अगर उसमें कोई पॉसिबिलिटी होती है डिसेबिलिटी की होने की, तो वहीं से हम शुरू करते हैं काम करना साथ में. और फिर हम इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में भी बात करते हैं. और हमारे हमारा जो एक बहुत मेजर प्रोग्राम है जिसमें हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, एम्पावरमेंट करते हैं रादर डिसेबल्ड पर्संस विद डिसेबिलिटी वाले जो लोग हैं, जो हमारे दिव्यांगजन हैं, जो 18 साल से ऊपर हैं, उनकी हम ट्रेनिंग करते हैं 3 महीने की, और जो कि एनएसडीसी से रिकग्नाइज ट्रेनिंग है. और फिर हम उनको, बहुत सारी कंपनीज हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं, जो कि इन बच्चों को अपने साथ काम करने का मौका देती हैं. और हम लोग जो हैं उन कंपनीज में इनके इंटरव्यूज करवा के और इनको उनके साथ जोड़ के, उनकी और फर्दर ट्रेनिंग करा के इनको जॉब दिलवा देते हैं. तो अभी तक सार्थक के पास 25-26 सेंटर्स हैं अक्रॉस इंडिया डिफरेंट स्टेट्स में, और सार्थक ने अभी तक 40,000 बच्चों को ट्रेन करके जॉब दिलवा दी है. और अभी भी हमारे साथ तकरीबन 5-6 हजार बच्चे जो हैं अभी डिफरेंट सेंटर्स के थ्रू जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और जॉब के लिए एस्पायर कर रहे हैं. तो और हम बहुत सारे और काम करते हैं, जो भी दिव्यांगजनों के लिए जरूरी काम है, या उनके लिए ऐसे काम है जो उनको प्रॉपर राइट्स दिलवाते हैं, या जो प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज दिलवाते हैं, या जो प्रॉपर उनको डिग्निटी दिलवाते हैं. ऐसे कोई भी काम होते हैं, चाहे वो एडवोकेसी का हो, चाहे सरकार से बात करने का हो, चाहे मैराथन में पार्टिसिपेट कराने का हो, चाहे कुछ और, एबलम्पिक्स का हमारा एक वर्टिकल है, उसके थ्रू चाहे इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे स्किल्स की कंपटीशन कराने का हो, तो ये सब हम काम ऐसे करते हैं जो कि जिससे कि दिव्यांगजन एक नॉर्मल तरीके की डिग्निफाइड लाइफ हिंदुस्तान में जी पाए. और अभी हमने हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि बाहर भी हम लोगों ने एक यूके में सेंटर स्टार्ट किया है, और हम जल्दी से कोशिश करेंगे कि और देशों में भी हम इस अवेयरनेस को और इस प्रोग्राम को एम्पावरमेंट के स्टार्ट करें. तो
ये हुआ सार्थक के बारे में, और जैसा कि अनामिका जी के बारे में आपको बताया जैस्मिन ने कि वो एक ऑडियोलॉजिस्ट है और स्पीच पैथोलॉजिस्ट है, उनका एकेडमिक्स में भी बहुत इंटरेस्ट है, वो कुछ कॉलेजेस के अंदर जहाँ पे ये स्पीच थेरेपी के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं वो अपना एज लेक्चरर उन्होंने काम किया है, बहुत सारे पेपर्स में भी उन्होंने असिस्ट किया है लिखने में, तो बहुत स्पेशल इंटरेस्ट है उनका इन चीज़ों में, और छोटे बच्चों के साथ स्पेशली वो काम करने में बहुत अच्छा फील करती हैं। तो आज ही हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे साथ हैं इस मौके पे और हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो अनामिका जी आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, और मैं आपसे कुछ छोटे से दो चार सवाल पूछना चाहता हूँ, जो कि हमारे जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं मेरे ख्याल से उनमें से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल होंगे। तो ये जो छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं या उसके बाद जो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से उनको या तो वो दिव्यांग हो जाते हैं, चाहे वो उनके ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो, चाहे मसल्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो, चाहे जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो, जिस भी वजह से अगर वो विकलांग हो जाते हैं तो, या उनको लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं ब्रेन की वजह से की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, या जैसे डाउन सिंड्रोम के साथ कुछ बच्चे पैदा होते हैं, या कुछ बच्चे जो हैं वो दूसरी और सेरिब्रल पाल्सी, इस तरह की कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को वाले बच्चों को फायदा देने के लिए हम बात सामने सुना है या हम बात करते हैं कि अर्ली इंटरवेंशन जो है वो एक मेथोडोलॉजी है या एक तरीका है, तो आप प्लीज हमें बताएं कि अर्ली इंटरवेंशन क्या है और ये क्या मदद कर सकता है बच्चों की, और किस तरह के बच्चों की मदद कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर, एंड गुड आफ्टरनून सर। सबसे पहले बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। सर, अर्ली इंटरवेंशन है जो डेवलपमेंटल एरिया में जैसे ही बच्चे डेवलप होते रहते हैं तो अर्ली आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन मतलब एक टाइम पीरियड होता है, टाइम डेवलपमेंटल टाइम होता है जहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं, उनकी लर्निंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो उस डेवलपमेंट को देखते हुए जितनी जल्दी अर्ली आइडेंटिफाई करके अर्ली इंटरवेंशन करना, ये अर्ली इंटरवेंशन होता है। अर्ली इंटरवेंशन किस चीज़ में मदद करती है? हमें डेवलपमेंटल एरियाज को प्रॉपरली डेवलपमेंटल एज अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट में मदद करती है, जिसमें हम बच्चे के मोटर एरियाज को देखते हैं, लैंग्वेज एरियाज को देखते हैं, कॉग्निटिव एरियाज को देखते हैं, सोशल एरियाज को देखते हैं और अडेप्टिव एरियाज को देखते हैं, जिसकी मदद से बच्चे की अर्ली इंटरवेंशन हो सके, बच्चा इंडिपेंडेंट हो सके हर एरिया में, और बच्चे को सहायता मिल सके ताकि वो आगे बढ़ सके, उनकी डेवलपमेंट एज अप्रोप्रिएट या नियर नॉर्मल हो सके। तो आप लोग अर्ली इंटरवेंशन में जब बच्चों पे काम करते हैं तो किस तरह से काम करते हैं, कौन कौन सी थेरेपीज आपको जनरली जरूरत पड़ती है या देते हैं आप लोग? जी सर, हमें स्पीच थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है जिसमें बच्चे को फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स सिखाया जाता है, ग्रास्पिंग सिखाई जाती है, जो लाइक टॉयलेट ट्रेनिंग, जो डेली एडेप्टिव स्किल्स है जैसे स्पून से खाना या ईटिंग फीडिंग, इस तरह के जो स्किल्स होते हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग होती है, इन तरह के जो मतलब स्पेशलाइजेशन जिनकी होती है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बोलते हैं उनको, वो मदद करते हैं। साइकोलॉजिस्ट मदद करते हैं टू मतलब प्रॉपरली केटर द बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड। बिहेवियर इश्यूज होते हैं बच्चों में, हाइपर एक्टिविटी, जिद्दी होना, कई कई बार सेल्फ इंज्योरस बिहेवियर्स होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को साइकोलॉजिस्ट केटर करते हैं। प्लस हमारे साथ स्पेशल एडुकेटर भी रहते हैं टू एनहांस द एकेडमिक स्किल्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, प्रॉपरली लिखना पढ़ना इन सारी चीज़ों में। स्पीच थेरेपिस्ट होती है टू कम्युनिकेट, टू हेल्प कम्युनिकेशन, नॉट ओनली स्पीच डेवलप करना बट उनको समझना भी, वर्बल कमांड्स को समझना, टूवर्ड्स एनवायरनमेंट में बच्चे को रिस्पॉन्ड करवाना, इन सारी चीज़ों में भी मदद मिलती है। तो हमारे साथ स्पेशली स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट,
स्पेशल एडुकेटर और साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है, तो ये टीम अप्रोच में ज्यादा वर्क करती है और इसमें पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है। जो भी गोल्स हम लेते हैं थेरेपी में, तो वो प्रॉपरली पेरेंट्स को भी ट्रेन किया जाता है, पेरेंट्स को भी बताया जाता है ताकि वो घर पे भी उसी तरह से प्रैक्टिस करवाएं। तो अगर मैं आपकी बात ठीक से समझ पाया हूं, तो आप ये कह रहे हैं कि मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच रहती है, चाहे तीन चार डिफरेंट किस्म के थेरेपिस्ट एक ही बच्चे के ऊपर काम करते हैं, और उनमें से कुछ कुछ थेरेपिस्ट जैसा मुझे समझ आ रहा है कि 1-to-1 भी देनी पड़ती होंगी आपको। जी सर, 1-to-1 भी देनी पड़ती है और 1-to-1 ही स्पेसिफिकली इन द बिगिनिंग 1-to-1 ही करवाते हैं, क्योंकि बच्चा 1-to-1 काफ़ी ज़्यादा रेस्पॉन्ड करता है। उसके बाद जैसे जैसे थेरेपी होती रहती है, बच्चा भी रेस्पॉन्ड करना शुरू करता है हमारे साथ, और जैसे गोल्स अचीव हो जाते हैं तब हम ग्रुप सेटिंग में जाते हैं, ग्रुप थेरेपी में जाते हैं, लेकिन शुरुआती दौर पे 1-to-1 ही काम आता है। तो मतलब ये है कि जो बच्चा ठीक से बोल नहीं पा रहा तो उसको आप बोलना सिखाते हैं, जो बच्चा ठीक से बैठ नहीं पा रहा उसको आप बैठना सिखाते यस हैं, सर, जो बच्चा ठीक से चल नहीं पा रहा उसे चलना, और जो बच्चा जैसे चम्मच पकड़ना, पेन पकड़ना, पेंसिल पकड़ना, लिखना ये सब नहीं कर पा रहा ठीक से, तो उसका थेरेपिस्ट जो है काम करते हैं उसके ऊपर, ताकि वो ये सब काम चीजें अपने आप अपने बेसिस पे करना शुरू कर दे। और जैसा आपने कहा कि बहुत सारे बच्चों के बिहेवियरल इश्यूज रहते हैं, अगर वो बहुत हाइपर एक्टिव हैं या बहुत बात कर रहे हैं या बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं या बहुत अग्रेसिव हैं या उठ के भाग जाते हैं या उनका ध्यान नहीं लगता है, इस तरह के जो इश्यूज रहते हैं उन पे आपके साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं, जी सर, है ना? ठीक है, तो मैंने ठीक समझा इसका मतलब, है ना? हाँ हाँ जी सर, तो अभी मैं एक और आपसे आपसे बात करते हुए सवाल दिमाग में आ रहा है कि ये जो हम सारी इंटरवेंशन कर रहे हैं, अर्ली इंटरवेंशन, जो जितना जल्दी हो सके वो वाली इंटरवेंशन जो हम कर रहे हैं मल्टी प्रॉन्ग्ड, मल्टीपल तरीके से, मल्टीपल स्पेशलिस्ट के साथ, इसका हमारा एम क्या रहता है? क्या ये बच्चे हम ये सोचें कि ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, या कुछ और एम आप लोग एम करते हैं? मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस कहता है या क्या आपका ट्रेनिंग कहती है? सर एम अगर देखा जाए तो एम बच्चे के डेवलपमेंटल डिले को कम करना है, बच्चे को नियर नॉर्मल तक पहुंचाना है, बच्चे को मतलब फंक्शनल स्टेज में पहुंचाना है, जहां बच्चे की बच्चा एकदम फंक्शन नहीं कर पाता, रेस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, उनको उस लेवल तक पहुंचाना ताकि वो कम्युनिकेट बैक कर सके और वो एटलीस्ट अपना काम खुद कर सके, इंडिपेंडेंट कर सके। उनका डेवलपमेंटल डिले, जो भी डेवलपमेंटल डिले है, या तो लैंग्वेज डिले है या तो मोटर डिले है, बच्चे की गर्दन सीधी नहीं है, बच्चा चल नहीं पा रहा है, बच्चा बैठ नहीं पा रहा है, तो उस हिसाब से हम उनको मतलब जो जो लैकिंग पॉइंट है उनकी, उस हिसाब से वर्क करके वहां तक पहुंचाना हमारा एम है, अर्ली इंटरवेंशन का एम है, और जो उनकी हैंडीकैप सिचुएशन है उनको कम करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या मैं ये समझूं कि सारे बच्चे नियर नॉर्मल हो जाते हैं, या कुछ उनकी जो मेडिकल कंडीशंस के हिसाब से डिफरेंट गोल सेटिंग रहती है सारे डिफरेंट बच्चों में? जी सर बिल्कुल, हर बच्चों का अलग अलग गोल सेटिंग रहता है, ये सारा कुछ डिपेंड करता है एज ऑफ आइडेंटिफिकेशन में, बच्चा कितनी जल्दी आइडेंटिफाई हुआ है उस हिसाब से उसकी डेवलपमेंटल सीवियरिटी क्या है, डिले की सीवियरिटी, उसमें क्या क्या एरियाज अफेक्टेड है, सारा कुछ डिपेंड करके उनकी एबिलिटी के अनुसार गोल सेटिंग होती है हर बच्चे के अनुसार। मतलब ओवरऑल एक बच्चा एक मतलब एक गोल सेटिंग हर बच्चे के लिए नहीं है, हर एक्टिविटी अलग अलग तरीके से करवानी होती है हर बच्चे को, और उनकी गोल्स भी अलग अलग होती है, तो उनके सिवियरिटी के अनुसार, उनके एज ऑफ आइडेंटिफिकेशन के अनुसार, उन वो अभी कितने एज में है, उनकी क्रोनोलॉजिकल एज क्या है, मेंटल एज क्या है, उनकी लर्निंग कैपेसिटी कितनी है, ये सारे चीज डिपेंड करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ बच्चे तो नियर नॉर्मल पहुंच जाते हैं जी और शायद स्कूल्स में भी चले जाते होंगे, जी सर बिल्कुल,
और अपना अपना नियर नॉर्मल लाइफ जी पाते होंगे। जी जी बिल्कुल और लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहे होंगे कि जो कि शायद जब आपके पास आते हैं तो वो ऐसा लगता है कि वो अपना अपने मतलब सेल्फ डिपेंडेंट भी नहीं हो पाते अपने काम के लिए, या हो पाएंगे पेरेंट्स को ऐसा लगता होगा। और जब आप लोग अर्ली इंटरवेंशन वाले जो स्पेशलिस्ट हैं, जब वो इंटरवीन करते हैं तो उसके बाद वो एटलीस्ट अपने लायक हो जाते हैं, मतलब अपना खाना खा पाते हैं, अपना कपड़ा पहन पाते हैं, अपनी बात कह पाते हैं, मे बी कुछ उनमें से बाजार जाके थोड़ा बहुत सामान लेके कुछ छोटी जो ट्रांजेक्शनल लर्निंग्स हैं वो उनकी लर्निंग्स हो है जाती जी बिल्कुल सर। जो जैसे है। सेरिब्रल पॉल्सी के बच्चे हैं, ऑटिज्म के बच्चे हैं, उनमें काफ़ी मोटर प्रॉब्लम्स दिखती हैं, एडप्टिव प्रॉब्लम्स दिखती हैं, सोशल इश्यूज होते हैं। तो विद थेरेपी जैसे अगर बच्चा बैठ नहीं रहा है तो सिटिंग आ जाती है थेरेपी के बाद, बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, बच्चे जो है बाहरी दुनिया को इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई पेरेंट्स बोले जा रहा है वो नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये सारे जो इश्यूज हैं थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है थेरेपी में। और ये अगर कंटिन्यू किया जाए ओवर द इयर्स तो बहुत इम्प्रूवमेंट दिखता है। ओके, तो आप इसका मतलब ये हुआ कि पेरेंट्स को बहुत की इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत जरूरी है, दो वजह से। एक तो कि जब वो पेरेंट्स लेके आते हैं और उसके बाद जब असेसमेंट पीरियड चलता है और उसके बाद जिस तरह से बच्चा थेरेपीज को रिस्पॉन्ड करता है, तो उसके हिसाब से उनके माइंड में एक रीजनेबली मतलब एक रियलिस्टिक गोल जो हाँ है रियलिस्टिक वो सेटिंग बहुत जरूरी है, कि पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं बच्चे से कि वो कितने महीने में या कितने साल में किस लेवल पे पहुंच जाएगा, वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। वो कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए जिनके पूरा होने की उम्मीद ना हो, नहीं तो वो फिर अननेसेसरी बच्चे से परेशान रहते हैं, या बच्चा भी को भी परेशान करते हैं, खुद भी परेशान रहते हैं। तो जी एक तो मुझे ये समझ में आया कि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट इसलिए भी बहुत जरूरी है कि टाइम टू टाइम और उनसे बार बार बात करते रहना बहुत जरूरी है, जी सर सो दैट वो जो है ये समझे कि मेरा बच्चा आज किस पोजीशन में है और मैक्सिमम कहाँ तक पहुंच सकता है और कितनी मेहनत के बाद वहाँ कितनी मेहनत लगेगी। जी सर और दूसरा ये है कि पेरेंट्स की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी मुझे लगता है बहुत जरूरी होगी। जी आपका सर क्या बिल्कुल कहना है, मैं क्योंकि यहाँ आपने पे उनके पास सर तो बच्चा थोड़ी देर के लिए होता है, 2-4 घंटे के लिए होता होगा मैक्सिमम। सर मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहती हूँ पेरेंट्स के लिए कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही जरूरी। डिसकंटिन्यू कर देते हैं या फिर उनको ये लगता है कि दूसरे बच्चे कर रहे हैं हमारा बच्चा नहीं कर रहा है, तो हर बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी अलग होती है, सीवियरिटी जैसे मैंने बोला कि सीवियरिटी, एज ऑफ आइडेंटिफिकेशन, इन सब चीज़ों पे मैटर करता है। तो मतलब फोकस करें अपने बच्चे पे और वर्क करते रहिए, क्योंकि अगर पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट, हम जो है पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स आर द वन जहाँ पे बच्चा हमेशा पेरेंट्स के साथ ही रहता है। तो पेरेंट्स ट्रेनिंग, पेरेंट्स को एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है, पेरेंट काउंसलिंग हम करते हैं ताकि पेरेंट्स को पता चले कि बच्चे के साथ क्या क्या गोल्स पे वर्क कर रहे हैं, और घर पे उनको प्रैक्टिस करवाना है ताकि जो गोल्स हैं जल्दी से अचीव हो जाए और बच्चे की प्रोग्रेस भी अच्छे से हो। तो पेरेंट्स को यहाँ लाइक पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया है कि डॉक्टरी पेरेंट्स का बहुत जरूरी है कि वो इन्वॉल्व हो थेरेपी में और घर पे भी वो चीजें रिपीट करें जैसे बताया जाए। और दूसरा है कि पेशेंस रखें, आई थिंक पेशेंस जो है हाँ वो की वर्ड है यहाँ थेरेपी में। तो अभी मैं एक चीज और आपसे, वैसे तो ये टॉपिक इतना बड़ा है और सब पेरेंट्स के सवाल जवाब भी बहुत रहे होंगे, मुझे लगता है कि सारी चीजें कवर करना तो एक छोटी सी टॉक में पॉसिबल नहीं होगा, बट क्या आप हमें बता सकते हैं कि कोई लेटेस्ट इसमें डेवलपमेंट्स हैं या लेटेस्ट टेक्निक्स हैं या लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं अर्ली इंटरवेंशन के अंदर जो कि साइंस हमें आजकल प्रोवाइड कर रही है, या वही जो कोई 10 साल 20 साल पुरानी चीजें थी या टेक्निक्स थी वही चले जा रही हैं?
नहीं, अभी जो है मैं बताऊंगी, मैं बोलना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा इसमें एडवांसमेंट हुई है बिकॉज ऑफ मतलब मोस्टली बिकॉज ऑफ पैंडेमिक टेक्नोलॉजी आई है जिसमें, ठीक है, आज हम ऑनलाइन जूम लाइव सेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन थेरेपीज कर रहे हैं, व्हाट्सएप वीडियो में कॉलिंग करके हम पेरेंट्स से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पहले नहीं थी जो कि अभी हुई है, तो इसको पेरेंट्स भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स का एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, लोगों का एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है कि हम फिजिकली नहीं जा पा रहे हैं, तो ऑल ओवर इंडिया से हम जुड़े हुए हैं थ्रू ऑनलाइन मोड, तो पेरेंट्स भी काफ़ी रेस्पॉन्ड कर रही है, पेरेंट्स भी काफ़ी पॉजिटिवली चीज़ों को ले रही है, बच्चों के साथ वर्क करके प्रोग्रेस हो रहा है बच्चों का, तो ये चीज़ टेक्नोलॉजी एक है आई है जो अभी रिसेंट इमर्जिंग ट्रेंड है। दूसरा है कि सब सारी चीज़ें जो है प्ले वे मोड पे आ रही है, मतलब जैसे पहले भी थी प्ले वे मोड में, अभी जो है हम बच्चों के साथ अभी भी प्ले वे मोड पे पेरेंट्स को बोलते हैं कि तरह तरह के बाहरी चीज़ों से बच्चे को वाकिफ करवाइए, नॉट ओनली इन द क्लिनिकल सेटिंग और घर के चार दीवारी से जो लर्निंग होती है उससे नहीं, बाहर से भी वाकिफ करवाइए, बाहर की चीज़ों में गार्डनिंग बच्चे से करवाइए, तरह तरह के एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो करवाइए, गार्डनिंग जो बच्चों को तितली दिखाइए, एंट दिखाइए, बर्ड्स दिखाइए, तो इस तरह के जो बाहरी दुनिया से वाकिफ करवाना है वो ट्रेंड्स आ रही हैं। जो प्ले मोड मेथड में है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है मुझे लगता है कि पहले नहीं थी जो अभी आ रही हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। एक्टिविटीज़ क्लिनिकल सेटअप में भी, अगर आप फिजिकली भी कोई जा रहा है तो क्लिनिकल सेटअप में नहीं रहकर आप बाहरी दुनिया से भी वाकिफ करवाइए बच्चे को, तो दैट विल गिव अ प्रैक्टिकल नॉलेज एंड मीन्स लाइक बियॉन्ड द क्लिनिकल सेटअप नॉलेज, वो बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। बहुत बढ़िया। तो इससे पहले कि हम दो तीन पेरेंट्स हमारे साथ हैं जो कि जिनके बच्चे ऑलरेडी सार्थक से जुड़े हुए हैं और सार्थक में ट्रीटमेंट थेरेपीज ले रहे हैं, उनसे बात करने से जस्ट पहले एक एक सवाल आया है एक पेरेंट का, दैट माय चाइल्ड इज वेरी हाइपर, डज नॉट लिसन, व्हाट आर सम ऑफ द एट होम प्रैक्टिसेस दैट वी कैन ट्राई। तो मुझे लगता है कि आपने जैसे अभी बताया कि ऑनलाइन क्लासेस भी, ऑनलाइन प्रोग्राम भी अवेलेबल है सार्थक के थ्रू, तो मेरी इनसे यही सलाह रहेगी कि आप सार्थक के जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर बात कीजिए और अर्ली इंटरवेंशन में बात करके आप अपना, चाहे अगर आप दूर भी हैं, अगर आप नजदीक नहीं है हमारे दोनों सेंटर्स के, तब भी आप, आपके साथ बहुत सारा काम बच्चे पे किया जा सकता है। तो बड़ी स्पेसिफिक सवालों के, ये आपके सवाल के बड़े स्पेसिफिक जवाब होंगे आपके बच्चे के हिसाब से, तो वो आपको बताए जाएंगे हमारे स्पेशल थेरेपिस्टों के द्वारा, तो उनसे आप कनेक्ट कीजिए और आपको जरूर मदद मिलेगी। और ये कनेक्ट करने के लिए नंबर जो है मुझे लगता है कि आप फेसबुक पे दिया गया होगा, और अगर नहीं तो आप सार्थक की वेबसाइट पे जाके चेक करके वहां से कॉल कर सकते हैं। तो जैस्मिन, हम लोगों ने नंबर दिया है क्या? यस सर, विद द डिटेल्स एंड आवर वेबसाइट एड्रेस। हाँ, तो आप जिन जिन जिन्होंने भी ये सवाल भेजा है, तो और अगर आप कनेक्ट कर सकते हैं उनसे, तो आप भी कनेक्ट करके इनको गाइड कीजिएगा, सो दैट ये हमारे जो अर्ली इंटरवेंशन सेंटर से जुड़ जाएं और जो भी मैक्सिमम हेल्प हो सकती है डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन वो उनको मिल पाए। तो मेरे ख्याल से और कोई सवाल मेरे पास नहीं आया है। इसके साथ ही मैं अनामिका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं थैंक यू कि सर। आपने आज हमारे श्रोताओं को जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको बड़े स्पेसिफिक और प्रैक्टिकल जवाब आपने दिए हैं सारे जो भी हमने कॉमन क्वेश्चंस हमारे पास जनरली रहते हैं उनके, तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, इट्स और माय प्रिविलेज टू हैव हियर, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, हम आपको फिर भी बार बार इस तरह के प्रोग्राम्स हम लोग फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे करते रहते हैं, तो अगर फिर भी इस तरह की जरूरत होगी तो हम आप फिर से आपको तकलीफ देंगे और आपके विचार जानेंगे। थैंक यू जी वेरी सर, मच। तकलीफ की कोई बात नहीं है सर, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। थैंक
थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो अभी हम बात करना चाहेंगे दो पेरेंट्स के साथ में जो हमारे साथ अभी अवेलेबल हैं। तो गुलजार जी, आप आतिका की मम्मी हैं, आप अवेलेबल हैं अभी? सही है सर। गुड आफ्टरनून। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आप कब से, आपके बच्चे को क्या किस तरह की दिक्कत है, और आप कब से जुड़े हुए हैं सार्थक के साथ, और आपका एक्सपीरियंस कैसा है, और सार्थक के साथ एक्सपीरियंस कैसा है वो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका थेरेपीज के साथ में क्या एक्सपीरियंस है, कितना आपको लगता है फायदा होता है, और क्या क्या, अगर आप जो हमारे साथ और ऐसे पेरेंट्स जुड़े हुए हैं जो अभी तक नहीं जुड़े हैं सार्थक के साथ, या नए पेरेंट्स हैं, या कोई और जो पब्लिक है, उनको क्या आप बात बताना चाहेंगी या उनको मोटिवेट करना चाहेंगी? सर एक्चुअली मेरी बेटी डाउन सिंड्रोम है, वो 6 एंड हाफ ईयर की है। हेलो। ओके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, और जी। सार्थक से जुड़े मुझे 5 मंथ्स हो गए हैं सर, ओके। और मैं एयरफोर्स हिंडन से हूँ। सर हाँ कैंप से जी जी आती हूँ एयरफोर्स। जी तो सर मेरी बेटी पे तो काफी, जब सर हेलो। 3 से मेरी पे जो सेंटेंस बोलना शुरू की है, हेलो, फुल जी सेंटेंस बोलना शुरू की है। आज जैसे चिल्ड्रन डे था और एयरफोर्स स्कूल में है, वो क्लास 1 में है, डी में है। क्लास 1 को ओके बीट तो नहीं करती सर, बट ये है कि क्लास 1 के साथ बैठ के वो बातें कर सकती है। स्टडी में नहीं, बट और चीज में तो वो हर चीज में कैपेबल है, मुझे ऐसा लगता है। तो 5 महीने की जो थेरेपीज आपको सजेस्ट की गई वो आपने घर पे ही दी सारी? सर मैं 2 बार ऑफलाइन गई थी, मैं एक बार, लेकिन हाँ ऑनलाइन ही मैंने ज्वाइन किया, सेंटर में आए थे ऑनलाइन दो बार ज्यादा। आप? दो बार आप हाँ सेंटर सेंटर में में आए मैं, थे? यस सर, 2 बार मैं सेंटर में आई जी थी हिंडन से। वैसे हम हिंडन में है और सेंटर वही ज्यादा दूर नहीं है, 20 मिनट का है, बट एक्चुअली मुझे टाइम का इशू था। बेटी स्कूल भी जाती है, फिर ट्यूशन भी आती है, तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन बेस्ट है मेरे लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप जब 2 बार गए और फिर बाकी टाइम आपने ऑनलाइन दिया, खुद उसको ट्रीटमेंट, मतलब जो भी गाइड किया गया आपको अकॉर्डिंगली आपने दिया, तो यस सर। उससे अभी आपको कितना फर्क महसूस हो रहा है? एक तो सर आपने बताया फर्क तो कि वो गलती बहुत थोड़ा बोलने लगी है, और बहुत ज्यादा बोलने लगी। आज उसकी चिल्ड्रन डे मतलब थी स्कूल में, एयरफोर्स स्कूल में, तो मैंने पूछा मैम ने क्या किया, उसने प्रॉपर मुझे डांस करके दिखाया कि मैम ऐसे ऐसे डांस कर रही ओके, वेरी नाइस। थी। और इसके अलावा और अभी क्या? 6.5 साल की, 6.5 साल। जी दूसरी बात कि सर कभी जो बोली नहीं है 6.5 साल की लड़की, और जो वो बोले तो वो अलग सी मतलब मूवमेंट होती है, जो इतनी खुशी होती है, जो लाइफ में लगता ही नहीं है कि ऐसी खुशी कभी मिली हो। वेरी वो गुड, बोलना शुरू की है, क्योंकि एक्चुअली पहले ड्राइंग कलर करती थी, तो मुझे सिर्फ ड्राइंग का मतलब कलर ऐसे हाथ से बोलती थी कलर। आज उसने कहा है कि मुझे ड्राइंग दो, ताकि वो स्पेसिफिक और एरियाज में बहुत लोग से अकॉर्डिंगली जो कलर्स बोलना भर पाए। शुरू की है ओके सर बहुत अच्छा लग रहा है। और नॉर्मल बच्चों के साथ वो जब खेल रही है, नॉर्मल बच्चों को जब वो उसके साथ खेल रही है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये कर सकती है। हाँ, तो ये कॉन्फिडेंस आ गया ना अभी? मतलब जो मोलाइज हो रहे, लेकिन वो बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है जैसे अभी आपने कुछ देर की थी कि आप लोगों मतलब स्पेशल बच्चों के लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी है, मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी बेटी कुछ दिन बट तो मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। मेरी बेटी है नॉर्मल, ऐसा नहीं बट नॉर्मल अपने हाथ पैर की हो सकती है। हमें वेरी सर गुड। क्या करना है, हमें इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनाना है, बट इंजीनियर डॉक्टर के साथ चल के तो चल सकती है, चलना तो पॉसिबल हर लोगों को है, उनके साथ सकती है ना सर। तो वही आप हमें चाहिए। और हम और पेरेंट्स जो आज आपको सुन रहे होंगे अभी, उनको ऐसे पेरेंट्स जिनके सिमिलर प्रॉब्लम के साथ में यस बच्चे रहेंगे या और किसी तरह की अर्ली प्रॉब्लम्स के साथ बच्चे रहेंगे, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे आज?
मैं सर मैं एडवाइस ये दूंगी कि जो मेरी बेटी कभी बोली नहीं है अब बोलना शुरू की है, तो आप मेहनत तो करना पड़ेगा, नो डाउट सर। जो मैं स्पेशल बच्ची भी रखी हूँ, एक नॉर्मल बेबी है, स्पेशल बेबी मेरी डाउन सिंड्रोम है जो 6.5 साल की है, और नॉर्मल बेबी है 4.5 साल की। फर्क तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फर्क इतना भी है कि हम दोनों को नेग्लेक्ट करें, अलग अलग है। अगर दोनों को ज्वाइन के देखे तो एक स्ट्रेंथ है, दो ये दोनों अपने अपने, एक ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। बोल ही नहीं सकती हूँ कि किसको बोलूं अच्छा है, दोनों ही अच्छा है। तो आपने बहुत अच्छी बातें तो लेकिन कही हाँ मैं, कि एक तो यस सर मैं जी हाँ, सब सब पेरेंट्स के लिए कि मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं एक बार एक कुछ कहीं सुन रहा था, तो उन्होंने एक बात कही थी जो मुझे हमेशा याद रहती है, मैं ज्यादातर सिचुएशंस में बोलता हूँ, कि अगर सूरज यस बनना है तो जलना तो पड़ेगा। अगर सूरज बनना है ऑफ तो कोर्स सर, मुझे तो जलना ऐसा पड़ेगा। लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है मैं एक ऑनलाइन डाउन सिंड्रोम है, वेदा, वो एडॉप्टेड है, डाउन सिंड्रोम है वो, ओके वेदा है, एडॉप्टेड है, मैं लेती हूँ उसे अडॉप्ट। मेरी बेटी की एज की है, गर्ल है, वो घर पे बैठ के जब उतना करा सकती, सारी फैसिलिटी मिली गई है सार्थक के थ्रू, फिर एयरफोर्स के थ्रू, हर चीज IFBA के थ्रू, मतलब बहुत सारी फ्री ऑफ, मतलब बैठ के हमें सिर्फ यही है कि 1 घंटा जो हम पार्क में गप्पे लड़ाएंगे, तो क्यों ना अपने बच्चे के लिए 1 घंटा बैठ के टाइम दे सकते हैं। 24 घंटे में तो वो 2 घंटे हमें मांग रही है, दो घंटा हमारे लिए नॉर्मल है तो सर। हम यहाँ पे इस बात को कंक्लूड करते हैं आपकी, कि एक तो मेहनत जरूर करनी पड़ेगी और करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि जो आपने कहा था कि डॉक्टर्स इंजीनियर्स और ये वो नहीं जरूरी, तो कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो हमें रियलिस्टिक रखनी चाहिए। हमें अपने बच्चों की कैपेबिलिटीज के हिसाब से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख के उनको वहां तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। सर ये दो पॉइंट्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं बाकी सब लोगों के लिए जो सुन रहे हैं अभी। सो थैंक यू वेरी यस सर मच, आपने आपने आज ज्वाइन किया और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो हम रियली आपका वी सार्थक इज वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू। और ये अभी एक छोटी सी और बीच में सर बात आई बहुत थैंक यू आप सबको लिए। जी, तो अभी एक बोलिए और सर। इसमें बात है कि ये जो सारी सर्विसेज हैं जो सार्थक की, वो सभी बच्चों को मोस्टली, आई मीन कोई छोटे मोटे सामान की और कुछ और इस तरह के चार्जेस लगते हों या कहीं वंस इन अ वाइल, बट मोस्टली दे आर, जो ये सर्विसेज हैं एटलीस्ट दे आर एब्सोल्युटली फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट टू द चिल्ड्रन। तो आपको जैसे इन्होंने बोला कि आपको सिर्फ मेहनत ही करनी है, धूप में बैठने की बजाय उनके बच्चों पे काम करना है। तो थैंक यू वेरी मच आपका कि आपने समय दिया और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, थैंक यू। दूसरा हमारे साथ ज्वाइन कर और लिया जुड़े मैडम, हैं हेमा जी, हेमा झा। हेमा जी ज्वाइन कर आप लिया मैडम, कर हेलो हेलो जी बोलिए। आप योगेश के साथ हैं क्या? हेमा जी हैं क्या यहाँ पे जुड़ी हुई? यस सर। योगेश की मामा आप अनम्यूट करिए। और रजनी, एक कविता जी भी जुड़ गए क्या? सर हाँ, बी सिकंदेश्वर के फादर्स हमसे जुड़े हैं, अच्छा, फादर साहब हैं, ओके। हाँ जी। सर योगेश की मामा से शायद अनम्यूट नहीं हो रहा है। योगेश की मामा आप माइक पे क्लिक करके अनम्यूट करिए और बोलिए। मैम आवाज आ रही है? हाँ जी, अभी आ रही है। सर मेरे लड़के का नाम है योगेश झा, हाँ और वो, जी, हाँ वो 11 साल का है। तो ओके। हाँ, तो मैं 20 मार्च 2021 से, मैं केबीसी के, ये 20 मार्च 2021 से मैं सार्थक से जुड़ी हूँ। ओके। हाँ, तो मेरा लड़का को, मुझे थेरेपी पहले वो नहीं लेता था, जब से मैं सार्थक से जुड़ी हूँ, मैं केबीसी के दौरान सार्थक से जुड़ी थी। मुझे नहीं पता था जो, मतलब सार्थक में ऐसे ऐसे बच्चे का ट्रीटमेंट होती है, ऐसे ऐसे थेरेपी सब मिलती है इस बच्चे को। तो मैं केबीसी करमबीर एपिसोड के दौरान 2020 में मैं देखी थी, तो मैं 21 में जुड़ी हूँ सार्थक से। ओके। तो अभी तक का आपका तो एक्सपीरियंस कैसा रहा है? अभी तक आपने क्या देखा है, कितना चेंज देखा है, और क्या आप जो यहाँ पे जो आपको थेरेपीज मिलती हैं उससे खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं? तो जरा अपना सर मैं एक्सपीरियंस बहुत, शेयर कीजिए आप।
और मैं बहुत खुश हूँ सार्थक से जब से जुड़ी हूँ, क्योंकि मेरा ये लड़का ना, ये कुछ भी नहीं लिखता था, एक वन भी इसको नहीं लिखने आता था, आज वो 100 तक लिखता है। इससे बड़ी खुशी और क्या होगी सर। और ये सारी मैम सब जो है ना बहुत गाइड करती है इस ऐसे बच्चे सबको, बहुत गाइड करती है सर। तो आप कितना मेहनत करना पड़ता है आपको? सर मैं भी करती हूँ, मैं भी सारा एक्सरसाइज, ये ओटी की क्लास भी लेता है, स्पेशल एजुकेशन का भी क्लास लेता है, स्पीच थेरेपी की भी मैम गाइड करती है। तो आपके आप सेंटर में कितनी बार आई हैं आज तक? सर मैं ज्यादा ऑनलाइन क्लास ही लेती हूँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन लेती हूँ। हाँ मैं सेंटर से बहुत दूर हूँ सर। अच्छा, बहुत दूर हैं आप। हाँ मैं गई हूँ, फिर भी 5-6 बार मैं गई हूँ। ओके, तो आप ये जो ऑनलाइन जो सिस्टम है बताने का, समझाने का, गाइड करने का, इससे आप खुश हैं? मतलब आपको ठीक लगता है ये सिस्टम, ये टेक्नोलॉजी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये काम कर रही है, ठीक है? बहुत अच्छा सर। हाँ बहुत काम करती है, मैं समझ जाती हूँ कि मैम क्या मुझे बता रही है, सारा बताती है मैम अच्छे से, तो मैं समझ जाती हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बात से जो बाकी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप हेमा जी के एक्सपीरियंस से और योगेश के, देखिए योगेश जो है मुस्कुरा रहा है सामने बैठ के, तो उसके एक्सपीरियंस से आप समझिए और सीखिए इस बात को, पकड़िए इस बात को कि आप ऑनलाइन थेरेपी ले सकते हैं और वो अपने आप में काफी एनफ इफेक्टिव है। बिल्कुल। तो आप जो है तो इस इनकी बातचीत से मुझे ये जो बात समझ में आ रही है कि ऑनलाइन थेरेपी से कि मैं कैसे करूंगा या मैं कैसे करूंगी, और कोई हेमा जी कोई इंजीनियर या कोई कंप्यूटर स्पेशलिस्ट तो है नहीं, हम लोग सारे जो है मतलब एक सिंपल जो नॉर्मल घर में परिवार में हम लोग जो है मोबाइल से या लैपटॉप से ऐसी चीजों का इस्तेमाल करके हम ऑनलाइन थेरेपीज ले सकते हैं। इसलिए मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा जो सुन रहे हैं या जो कि ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको इस तरह की थेरेपीज की बच्चों को जरूरत है, तो अगर वो दूर भी हैं, सार्थक के आसपास नहीं भी हैं, तब भी वो सार्थक से जुड़ सकते हैं और वो इन थेरेपीज को ले सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों को बेटर लाइफ दे सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं ना टीवी केबीसी देख के सर, मुझे पता नहीं था कि सर और मैम सब आप लोग बहुत करते हैं ऐसे ऐसे बच्चे के लिए, मैं तो बहुत धन्यवाद देती हूँ आप लोग को सर। चलिए बहुत बढ़िया बात है, मुझे इतना समझ नहीं था कि मैं अपने बच्चे को थेरेपी करा पाऊँ, मुझे उतना वो नहीं है, लेकिन आप लोग जो कर रहे हैं फिर बहुत। चलिए आपका, आपका आपने अप्रिशिएट किया सार्थक के एफर्ट्स को। करते रहिएगा, क्योंकि क्या है कि जितना जितना मेहनत का करेंगे उतना ही सफलता मिलेगी, जितना वो बोलते हैं ना कि जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, तो वही है ना। तो इसको खूब आप मेहनत कीजिए, जितना समय आप लगाएंगे इनके साथ, और जैसे गाइड किया जाता है वैसे ही कीजिए। अपनी अपनी कोई दिक्कत है, परेशानी है या ऑब्जर्वेशन है या कुछ आपकी आपके दिमाग में कोई नई बात आती है तो वो डिस्कस कीजिए आप थेरेपिस्ट के साथ में, या कोई नई नया बच्चा कुछ नई हरकत कर रहा है या नया नई तरीके से कुछ कर रहा है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। अपने आप कुछ ज्यादा वो नहीं कीजिएगा, क्योंकि चीजों के गलत इफेक्ट नहीं आना चाहिए, अच्छा इफेक्ट ही आना चाहिए। सर मैं पूछती रहती हूँ मैम सबसे। ठीक है जी, धन्यवाद बहुत बहुत, आपने समय निकाला आज, आप हमारे साथ बच्चों के दिन जुड़े, बाल दिवस के दिन, और आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जैस्मिन हमारे साथ, कविता जी हैं क्या, या आपने ये इनके फादर साहब है ना? उनके फादर है। हाँ, स्केंदेश्वर के फादर साहब हैं, क्या नाम है? अनिल जी। हाँ जी, आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। सर गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम अनिल। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप कब से जुड़े हैं सार्थक के साथ और आपका कैसे एक्सपीरियंस है अभी तक, जरा शेयर कीजिए आप हमारे सारे दर्शकों के और श्रोताओं के साथ। सर थैंक यू सर। सर मेरा बच्चे का डाउन सिंड्रोम बच्चा है सर, 2 years 6 months का है सर। मैं जैन हो गया सर, 5 months कंप्लीट हुआ सर। ओके, तो तब से मेरे को स्पीच थेरेपी एंड फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पेशल एजुकेशनल का इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं सर मेरे को। तो ये जो चीज थेरेपी वगैरह मैं फॉलो अप कर रहा हूँ कि थोड़ा सा बच्चे का इम्प्रूवमेंट है सर, जो भी इम्प्रूवमेंट
आप अभी इसको कंटिन्यू करेंगे, करना चाहते हैं? सर मैं 100% कंटिन्यू करना चाहता हूँ, इससे मेरे बच्चे के लिए और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा सर। हम भी एफर्ट लगा रहे, डाउन बच्चे तो है सर, डाउन सिंड्रोम बच्चा है, डिले तो है, लेकिन वेयर एज ये दो थेरेपिस्ट हम लोग को जो गाइडेंस मिल रहा है सर, बहुत अच्छा गाइडेंस मिल रहा है। ये जो गाइडेंस है सर, मैं बच्चे के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ कि हम लोग कंटिन्यूसली थेरेपिस्ट वगैरह दे रहे हैं हम लोग, जो एज पर दिस गाइडेंस इम्प्रूवमेंट इज देयर सर। और भी लोग इसमें ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो बंदा दूर है, जैसे मैं दूर में रहता हूँ सर, नियर बाय दिल्ली नहीं है, कि इसमें ऑनलाइन में बहुत सारे फैसिलिटीज मिल रहे हैं, जैसे स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल एंड स्पेशल एडुकेशन आल्सो। अभी मेरा बच्चा छोटा बच्चा है, फिर भी अभी से मैं स्पेशल एडुकेशन इंस्ट्रक्शन ले रहा हूँ, उसको पेन कैसे पकड़ना है, कैसे लिखना है, अभी से फॉलो अप करने से मेरा बच्चा थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई आपकी सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, मैं यहाँ पे इनके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि दे आर तेलुगु स्पीकर है, तो हम जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं इंग्लिश या हिंदी में इनको देते हैं, और ये तेलुगु में बच्चे को घर पे करवाते हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ पे लैंग्वेज अगर मतलब कोई दूसरे लैंग्वेज का भी कोई पेरेंट्स है जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, वो भी इसी तरह से हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत बढ़िया सर जी। तो और कुछ आप, और मैसेज कोई आप देना चाहते हैं हमारे और जुड़े हुए पेरेंट्स को जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं? सर ये क्लासेस हम कंटिन्यू करना चाहिए सर, ये जो भी जैसे स्पेशल चाइल्ड के लिए बहुत बेटर रहेगा सर लाइफ फ्यूचर। ये कंटिन्यू रहने से मेरा बच्चा भी बहुत और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा सर। चलिए आप लगे रहिए और पेशेंस बनाए रखिए, और डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होती चली जाएगी। थोड़ा प्रोसेस ये स्लो जरूर रहता है, लेकिन इसमें डेफिनेटिव इम्प्रूवमेंट होती है, क्योंकि ये स्पेसिफिक बच्चे की प्रॉब्लम्स और बच्चे की कंडीशन के हिसाब से स्पेसिफिकली डिजाइन करके बनाया जाता है प्रोग्राम हर बच्चे के लिए, जो भी थेरेपीज का जो शेड्यूल है। तो आप इसमें लगे रहिएगा और डेफिनेटली यू विल सी मोर effects and more improvement in the child. Thank you. Dhanyavad. Thank you. You spared this time for us and you talked to us and isse aapne aur bhi logon ko guide kiya. So thank you very much. Welcome. To abhi ye parents ke saath mein baat karne ke baad, ab hum jinki wajah se yahan pe hain, wo bacche जो हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, ऑलरेडी सार्थक से थेरेपीज ले रहे हैं, और तो उन बच्चों से भी बात करना चाहिए, या उनकी परफॉर्मेंस या उनका कुछ किस तरह का वो काम कर रहे हैं दिखाना चाहते हैं। जैसे कोई भी हमारे अपने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, वो पोइम्स बोलते हैं, वो सॉन्ग्स बोलते हैं, वो स्पीच देते हैं, वो डांस करते हैं। तो आज हमने इस चिल्ड्रंस डे के सेलिब्रेशंस के लिए ऐसे अपने 3 बच्चे चूज किए हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो हमारे साथ जुड़े बच्चे। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आहान अपने को अनम्यूट करें, और उनकी मदर होंगी मनीषा जी। तो आहान आप अपनी बात कहो, अपनी जो भी स्पीच है वो दो प्लीज। गुड आफ्टरनून एवरीवन, my name is Ahan and today I am going to speak 2 lines about Chacha Nehru. Today is Children's Day. First I wish you all a very happy Children's Day. Pandit Jawaharlal Nehru was born on 14 November 1889. In Allahabad. He was the first Prime Minister of independent India. He was a great freedom fighter. Chachaji is a role model for all children. He had a great love for children. So his birth anniversary is celebrated as Children's Day. With love, we call him Chacha Nehru.
He said that today's children are future of nation. So children should be raised with love and care. Thank you and have a nice day ahead. Thank you very much, Ahan. और आपके साथ में आपकी मम्मी भी हैं मनीषा जी. यस सर. यस सर. मनीषा जी आप कुछ बोलना चाहेंगी? आप भी कुछ बात करना चाहेंगी मनीषा जी या? नो सर आई एम हैप्पी सर. मतलब मैं खुश हूँ सर. जो इसकी थेरेपी चल रही है ना सार्थक से तो मैं जी. बहुत सर. कितने साल से कितने साल का हो गया है अभी आहन? आहन सर अभी 8 इयर्स का हो गया है. और वेरी नाइस. और ये कब से जुड़ा है सार्थक के साथ में? सर उसको हो गया 7-8 मंथ्स हो गए. और okay. वो थर्ड स्टैंडर्ड में है सर. नॉर्मल बच्चों के साथ स्कूल में जाता है. वेरी गुड. पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है सर. okay. कोई प्रॉब्लम. बस स्पीच का था. स्पीच थेरेपी चल रही है सर हमारी सार्थक से. वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस. चलिए अहान ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर एक्टिविटीज इन लाइफ. डू वेल. बहुत बड़े बहुत अच्छे इंसान बनो. ठीक है. थैंक यू सर. थैंक यू फॉर गिविंग दिस परफॉर्मेंस एंड स्पीच हेयर ऑन चिल्ड्रंस डे. थैंक यू. बहुत अच्छा बोले आप. बहुत मजा आया. अभी एक और बच्चा है हमारे साथ. ध्रुवी. ध्रुवी त्रिपाठी. पहले सर अर्णव को करें. पहले अर्णव से बात कर ले. अर्णव आगे. हाँ जी सर. ओके चलो अर्णव से बात करते हैं. पहले अर्णव हमें कुछ गाना सुनाने वाला है. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून अर्णव. कैसे हैं आप? आप कैसे हो बेटा? मैम सर अच्छा हूँ. वेरी नाइस nice. तो आप क्या सुनाने वाले हैं आज अपने में? मैम सर चाचा नेहरू के बारे. चाचा नेहरू की बात सुनाएंगे. क्या गाना सुनाएंगे? क्या सुनाएंगे? बाल दिवस का कविता सुनाने जा रहे. वेरी गुड. चलिए प्लीज सुनाइए. Your cap. Start. 1, 2, ready. प्रभात सर, मेरा नाम अर्ण कुमार है. मैं चाचा नेहरू का बच्चों से है बड़ा पुराना नाता. जन्म दिवस चाचा नेहरू का बाल दिवस कहलाता. नेहरू ने देखे थे सब भारत के सपने. सपने पूरे कर सकते उनके बच्चे अपने बच्चे मिलकर गीत सीखे गाते. चाचा नेहरू के चरणों में श्रद्धा सुमन चढ़ाते. शालाओं में भी होते हैं नए नए आयोजन जिन्हें के देखो हम बच्चों के तन. बाल दिवस के इस पर एक सफल के भाव कुछ नीचा रोगन लगा. धन्यवाद. वेरी नाइस. आपकी मम्मी जी भी हैं साथ में ना? यस सर. पिंकी जी नमस्कार. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून जी. बहुत अच्छा बहुत बढ़िया तैयारी आपने करवाई है इसको और बहुत ही अच्छा बोला इसने. थैंक यू सर. तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है इसके साथ में? कितने साल से आप सार्थक से जुड़े हैं? और सर इम्प्लांट हुआ था कैसे? हियरिंग इम्पेयरमेंट का क्या था सीन? यस सर. हियरिंग इम्प्लांट कॉक्लियर इम्प्लांट है. कॉक्लियर इम्प्लांट हुआ था. यस सर. ठीक है जी. तो आप कब से जुड़े हैं? सर हम लोग 2-3 महीने हुए हैं मैम से बात. ओके
हम लोग का स्पीच थेरेपी मीनाक्षी यहाँ पे हुआ था हमारे मीनाक्षी में, तो इसने कम से कम 6 मंथ में ऑल ओवर कवर कर लिया था। वो मुझे टिक देती थी, मैं घर पे कम से कम 6-7 घंटे इसी पे लगी रहती जी। फर्स्ट बेबी था सर, बहुत रोना आता था जब जब फर्स्ट टाइम ऐसा देखा था केस, तो मैंने ठान लिया था कि मैं अपने बच्चे को पैर पे खड़ा कर दूंगी, कोई सामने वाला बंदा ये ना बोले कि मेरा आज कोई भी ऐसा बोल सकता ये बिना इम्प्लांट के भी सुन, ऐसा मैंने बता दिया कि बिना इम्प्लांट सुन ऐसे बात करता है सर कि स्पीकली पूरा कॉन्फिडेंटली बोलता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम आपकी इस डेडिकेशन को और जज्बे को प्रणाम करते हैं। आपके जैसी मदर्स हमें चाहिए सारे ऐसे बच्चों के लिए, बिकॉज उनका बहुत जबरदस्त रोल रहता है। सर मैंने जो देखा है, जो समय बिताया था इसका 2 इयर्स के बाद ऑपरेशन में गया था, उस समय हम बहुत रोए थे, हमने नहीं सोचा था कि हमारे नसीब में ऐसा हो गया। हमने ये सोचा नेगेटिव बहुत पॉइंटिंग आया था, पर हमने सब नेगेटिव हटाया क्योंकि अब रोने से कुछ नहीं होगा सर। तो ये वाली जो आपने बात कही ना कि हमारे साथ क्यों हो गया ऐसा, इस पे मैंने अभी पहले भी ये बातें सुनी थी, लेकिन कुछ दिन पहले एक एयरफोर्स के ऑफिसर्स जो है हमारे बच्चों से मिलने आए थे विकासपुरी में भी और उधर गाजियाबाद में, तो एक एक बहुत सीनियर विंग कमांडर ऑफिसर थी पूनम जी, उन्होंने एक बात कही उस दिन लोगों से, बच्चों से और उनके पेरेंट्स से, स्पेशली पेरेंट्स से, कि आप पेरेंट्स को कहा कि आप लोग स्पेशल हो, आप लोग कैपेबल हो, आप लोग बहुत ज्यादा कैपेबल हो दूसरे लोगों से, तभी भगवान ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी है। तो ये कभी नहीं किसी को भी सोचना चाहिए कि दिव्यांग बच्चा है हमारा या उसमें कोई किसी तरह की कोई कमी है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम ज्यादा कर सकते हैं, हमारे अंदर वो ज्यादा करने की कैपेसिटी है, इसीलिए भगवान ने हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ठीक है ना। तो आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है, आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है और बहुत आपकी जो भावनाएं हैं बच्चे के प्रति और जो डेडिकेशन है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी है और हम वी रियली अप्रिशिएट दैट। तो अभी आप हमें ये बताइए कि आप जो बाकी पेरेंट्स हैं जो भी आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं यही कहूंगी कि टीचर सिर्फ हमें गाइड करते हैं, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली मदर्स पे होता है, नो फादर, फादर्स भी कुछ नहीं कर सकते, फादर्स का काम ओवरऑल बस ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी, क्योंकि उनके पास वर्क ज्यादा होता है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर पे होती है। मदर जितना ज्यादा उन पे कवर करेगी बच्चे आपको ज्यादा रिस्पॉन्स करेंगे, रिजल्ट देंगे। हम जितना ज्यादा उस पर टाइम एक्सपेंड करेंगे उतना ज्यादा हमें जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर बच्चे के ऊपर हम मेहनत करेंगे अच्छे से, और मदर्स के लिए स्पेशली आप मैसेज दे रही हैं, तो बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाएंगे, बहुत उनमें बहुत जबरदस्त इम्प्रूवमेंट आएगी और वो नियर नॉर्मल हो जाएंगे। यस सर बिल्कुल होंगे, है ना, ये मैंने किया है। तभी आपसे पूछ रहे आपकी बात की जो वैल्यू है इस वक्त वो सबसे ज्यादा है, बिकॉज आपने किया है, वो करके देखा है, आप ऐसे नहीं कह रहे हैं ना, आपने तो एक्सपीरियंस चैलेंजेस सारे फेस किए हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला, इस बच्चे को तैयार किया और आपने जो हमारे श्रोताओं से भी बात करी, धन्यवाद, थैंक यू सर। ओके सर हम लीव हो जाए क्या, इसका क्रिकेट क्लास है। अनामिका जी बता, अर्णव की मम्मा आप लीव हो सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम, ओके चलो जल्दी तैयार हो जाओ। ओके मैम बाय मैम। ओके जी थैंक यू, बाय सर, बाय बाय। अभी हम एक और बच्ची हमारे साथ है जो कि डांस तैयार करके आई है आज के मौके के लिए, तो हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे ध्रुवी से कि वो अपना उनकी मदद होंगी साथ में। आरती जी आप अनम्यूट करें और प्लीज, हम सब उत्सुक हैं इसका डांस देख। ठीक है बैठो बैठो, गाना नहीं। हेलो ध्रुवी कैसी है? ध्रुवी कैसी हो? हुँ? हुँ?
चलो डांस दिखाओ डांस। एक हाँ रुको खड़े हो एक मिनट सर, एक मिनट गाना लगा। हाँ जी हाँ बिल्कुल आप टेक योर टाइम। ये कहाँ से है? Very good, very nice. Thank you, sir. बहुत बढ़िया ध्रुवी, आपने बहुत अच्छा तैयार किया, बहुत अच्छा आपने डांस किया है। तो आप क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रही है आरती जी? है सर ये बोल रही है ना कि थोड़ा देखकर की है। देख के किया है, वेरी गुड वेरी गुड। वो टीवी में लगा दिया सर, प्रिपेयर नहीं था इसका। देख के थोड़ा कर लो। गुड 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 वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो आप कब से सार्थक के साथ जुड़ी हैं जी आरती जी? सर मुझे एक साल होने में आ गया। एक साल होने में आया, तो ऑनलाइन ही प्रोग्राम रहता है या जाते हैं सेंटर भी कभी? हाँ सर सेंटर में कभी कभी जाती हूँ, पर अभी फिलहाल तो जैसे जब से स्कूल स्टार्ट हो गई ना तो ऑनलाइन ही ले रही हूँ क्लासेस। वेरी गुड। तो कोई आप हमारे जो सुनने वाले हैं आज, जैसा ये बच्ची जो है इतना बढ़िया डांस भी तैयार कर लिया इसने, सब कुछ कर लिया, तो आप अपने एक्सपीरियंस से क्या बोलना चाहेंगी और सार्थक के बारे में? जी आरती जी बोलिए। सर सार्थक की वजह से ना हमें एक अच्छी गाइडलाइन मिल रही है, कैसी थेरेपी, बच्चों को कैसे हैंडल करना, बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। बोलते हैं ना नॉलेज तो बहुत कुछ मिलता है, पर सही और गलत इसमें हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सही है, पर एक अच्छा गाइडलाइन मिलने से ना सर बहुत हेल्प हो रही है। ध्रुवी में इम्प्रूवमेंट भी बहुत अच्छा हो रहा है, और मैं सबको एक ही मैसेज कहना चाहती हूँ कि सर इन बच्चों के पीछे मेहनत है, पर मुझे आज इतनी खुशी होती कि जो बच्ची मेरी दो कदम नहीं चल पाती थी, थोड़ा सा चलती थी गिर जाती थी, थोड़ा सा चलती गिर जाती थी, आज थेरेपी की वजह से उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट है। आज वो इम्प्रूवमेंट तो अभी दिखाई दे रही है। आई मीन एक बच्चा जो ठीक से चल ना पाता हो वो डांस करे, क्योंकि डांस में चाहे कैसा भी करे वो जो उसकी कोऑर्डिनेशन चाहिए, जो उसका माइंड और लिम्स का जो एक सामंजस्य चाहिए, जो इकट्ठे काम करना चाहिए, वो चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया। अगर ये बच्चा एक साल पहले आप कह रहे हैं चल नहीं पाती थी ठीक से? सर उसके पहले ना थोड़ा डिसबैलेंस ही चल रहा था इसका, बचपन से तो बहुत ही, जैसे चार पांच साल की थी ना, छह सात साल तक इसका वैसे ही चला है, जैसे थक जाती थी, चल नहीं पाती थी, डिसबैलेंस ही हो जाती थी आठ नौ, पर मुझे इतना पता है कि सर थेरेपी से बहुत फर्क पड़ता है, मेहनत करो बहुत अच्छे रिजल्ट आता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आप इसकी थेरेपी जो है वो कंटिन्यू रखिएगा, और कोई भी जैसे ही आपको कभी भी कुछ भी जरूरत हो तो आप ऑफलाइन आके सेंटर पे मिलिएगा, जो भी थेरेपिस्ट हैं हमारे। और आपने आज के लिए समय निकाला, इस बच्ची को देखो तैयार भी किया, सब कुछ किया,
तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. तो अभी जो है हम अभी इसके बाद मेरे ख्याल से हमारे पास कुछ स्पेसिफिक नहीं है, तो लेकिन आज के प्रोग्राम के बारे में मैं जो बात कहना चाहता हूं वो यही है कि आज स्पेशल एक ओकेजन था, है रादर चिल्ड्रंस डे का. तो इन बच्चों ने, जबकि ये हम लोग बहुत दफा मन में ये सोच लेते हैं कि ये बच्चे जो हैं किसी काबिल नहीं है या किसी काबिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, हम डरते रहते हैं, लेकिन इन बच्चों ने ये प्रूव किया है, ये तीन बच्चों ने जो भी परफॉर्मेंस दी है और जो पेरेंट्स ने हमारे साथ बात की है वो इस बात का बिल्कुल क्लियर कट प्रूफ है कि अगर हम इन पे समय लगाएंगे और अगर हम इन पे मेहनत करेंगे और पेशेंस बनाए रखेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए काम करेंगे, तो ये बच्चे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं. ये हमारे समाज का एक प्रोडक्टिव हिस्सा बन सकते हैं, अपना पूरा ख्याल रख सकते हैं. और जैसा कि अनामिका जी ने अपनी बातचीत में बताया था कि हमें इन बच्चों की जो प्रॉब्लम की पॉसिबिलिटी है उसको जितना जल्दी हम एक्सेप्ट कर लें और रिकग्नाइज कर लें, उसको पहचान लें और फिर हम मान लें और फिर उसके हिसाब से काम करें, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, जल्दी उनमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है और वो इम्प्रूवमेंट होते होते जितना नज़दीक नॉर्मल के हो सकते हैं उतना हो सकते हैं. तो थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो सभी ने समय निकाला. अनामिका जी आपका विशेष धन्यवाद, और जैस्मिन, रजनी सब लोगों ने जो पार्टिसिपेट किया, कोऑर्डिनेट किया, उन सबका धन्यवाद. सभी पेरेंट्स का, बच्चों का तो विशेष तौर पे धन्यवाद. तो थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों को, और फिर से सभी को शुभकामनाएं आज के बाल दिवस की. और हम चाहेंगे कि हमारे ये बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया मेहनत करें, काम करें, अपने नॉर्मल लाइफ के नॉर्मल नॉर्मेलिटी के आसपास जितना भी पहुंच सके उतना पहुंचें, जो पढ़ सकते हैं आगे पढ़ाई करें और जो बेस्ट हो सकता है वो उनके लिए लाइफ में हो. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच.